समाधि लेने वाला है, क्योंकि वो कह रहा अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं समाधि ले लूंगा। और आप पत्रकार हैं, अगर एक पत्रकार को पीड़ित किया जाता है, उसे शोषित किया जाता है, तो आप एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार के साथ खड़े होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे ना। तो भैया परमहंस जी ने एक जो हमारे साधु महात्मा की हत्या हुई उस पर बयान क्यों नहीं दिया? अगर ये उस पर कहते, और योगी जी तो खुद योगी जी हैं, योगी जी भी नहीं बोले, योगी जी भी कहते कि अगर मेरे साधु महात्मा को इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी परमहंस के साथ में जल समाधि ले लूंगा। लेकिन ऐसा इन्होंने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि भैया योगी जी के राज में हिंदू इतना सुरक्षित है कि अगर आप गोरखपुर अब होटल में भी जाएंगे ना तो वहां पर भी आपको पुलिस मार मार के आपकी ऐसी हालत कर देगी कि आपने देखा आपकी डेथ भी हो सकती है। योगी जी गए ना, घर वालों को दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। राशिद भाई मेरी बात, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा पैसा और सुरक्षा दो चीज। अगर किसी के वो छोटा सा बच्चा जो माँ अपने बच्चे को गोदी में ले रखी थी, आज लड़ाई का विषय नहीं, आज आप प्यार से एक इंसानियत के नाते मुझे बताइएगा कि वो जो छोटा सा बच्चा जब उसकी माँ कह रही थी कि जब बार बार उनका फोन आ रहा था तो ये बच्चा बोल रहा था कि मम्मी मेरी पापा से बात करा दो, तो क्या पैसों के जरिए कोई भी सरकार या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस बच्चे की अपने पिता से बात करा सकते हैं? बताइए आप मुझे, करा सकते हैं? अरे वो योगी जी का भक्त था, वो तो भाजपा का विकास देखने गया था गोरखपुर, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आज के समय में आप जिंदा रहने को ही विकास समझिए। अगर आप जिंदा रह रहे हैं तो यही सबसे बड़ा विकास है, आप ये समझ लीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कि विकास की गंगा बह रहा है, हमने राम मंदिर बनवाया, राशन दे रहे 5-5 किलो। विकास की गंगा नहीं, गंगा में आज लाशें बह रही हैं, और वो लाशें किसी और की नहीं, जिसके नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, उन्हीं हिंदुओं की लाश आज गंगा जी में तैर रही है। अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि अभी आपने देखा कि परसों के दिन आप सभी ने देखा होगा कि जो हाथरस में जो हत्याकांड हुआ था, जो बलात्कार हुआ था, उसको पूरा एक साल पूरा हुआ। उस एक साल पे जंतर मंतर पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, राबिया के साथ में खड़े हुए, राबिया के माता पिता भी वहाँ मौजूद थे, और जो बहन मनीषा जो हाथरस वाली बेटी थी उसके लिए भी लोग खड़े हुए। तो एक बात आप मुझे बताइए कि हम तो कहते हैं कि भाई आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो परमहंस ने जो बोला है कि जो जल समाधि ले रहे हैं, आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदुओं की चिता को लकड़ी नहीं मिली तब परमहंस जैसे लोगों ने एक बार भी बयान नहीं दिया कि अगर हिंदुओं की चिता को लकड़ी नहीं मिलेगी तो मैं जल समाधि ले लूंगा। योगी जी दिया उन्होंने बयान, और है ना बाकी किसी का मर्डर हो जाए कुछ, वो तो होता रहता है, सिर्फ बीजेपी की थोड़ी यूपी में होता है, वो तो राजस्थान। आप में सुनिए, आप में और एक फिल्म आई थी बाहुबली जिसमें जो कटप्पा होता है, आप में और इस देश की मीडिया में और अंधभक्तों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कटप्पा की तरह ही है। उन्हों को जितना मर्जी कुछ हो जाए, लेकिन जो आपने वादा कर रखा है ना कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन राजा का विरोध नहीं करना, पूरा जलन हो रही है, बर्नौल लगा पड़ा है आपके, बर्नौल लगाएंगे नहीं, लेकिन आप, लेकिन आपको तारीफ नहीं करनी है। सही बात है ना, जब आप कहीं और की बताते नहीं हो सिर्फ आप यूपी के, आपको दिखाई। चलिए आज आप ये मुझे बता दीजिए, आप विकास बताइए चार योगी जी को, विकास तो हो रहा है, खुद करे, राशन दिए, शौचालय दिए, आवास दिए, अब क्या चाहिए लोगों को, आम जनता को क्या चाहिए? मैंने आपको जो 10 लाख रुपए दिए थे उसका क्या हुआ, वो आप कब देंगे बताइए? 10 लाख वादा उन्होंने थोड़ी किया, मैंने जो आपको 10 लाख दिए थे आपके चैनल पर, आपने कब दिया? तो भैया एक बात बताइए, योगी जी ने भी राशन कब दिया? अरे दे रहे हैं फोटो छपा कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, फिर आप यकीन कर लेंगे कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए? जब जनता तक राशन पहुंचा ही नहीं तो कौन से राशन का एडवर्टाइजमेंट? एक बार एक दिक्कत है ना, फ्री में वैक्सीन मिल रहा, नहीं मिल रहा आपको? मिला नहीं मिला किसको? फ्री में वैक्सीन, तो वैक्सीन सरकार देगी नहीं? हाँ तो दे, जब सरकार, सुनिए, 3,16,500 करोड़ का कर्जा अंबानी साहब का माफ कर सकती है तो क्या गरीब जनता को वैक्सीन भी नहीं दे सकती? दे रही ना, कुछ ना काम तो कर रही ना, कुछ ना, क्या काम कर रही है? अरे काम क्या कर रही है, आप काम गिनाइए ना, आप वैक्सीन पे आ जाते हैं, खाने को रोटी नहीं, आप शौचालय में घुस जाते हैं, आप काम बताइए, काम क्या किया? कितने लोगों को रोजगार मिला? 2.5 करोड़ शौचालय दे दिए यूपी ने, ये यूपी में खड़े यहाँ पर सरकारी शौचालय, लोगों को रहने को घर नहीं है, आप कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ शौचालय दे दिए, कि 2.5 करोड़ शौचालय बने, ये पोस्टर नहीं लगे दिल्ली से आते हैं, 2.5 करोड़ शौचालय के पोस्टर, 2.5 करोड़ शौचालय, विकास महोत्सव चल रहा है यूपी में, विकास महोत्सव चल रहा है, कौन सा विकास महोत्सव चल रहा है? देखो जाके तो कुछ तो हो रहा है ना, पोस्टर नहीं लगे, कहाँ जाके देखूँ मैं, अभी कहाँ खड़ा हुआ मैं? अरे ये तो बॉर्डर है ना, आप गोरखपुर में जाके देखिए, कौन सा कश्मीर का बॉर्डर है ये, जाइए गोरखपुर, लखनऊ में देखिए, गोरखपुर में कैसे जाए, गोरखपुर में होटल में रहे, जैसे हत्या हो रही है पुलिस वाले आके मार रहे हैं, और पुलिस वाले स्टेटमेंट भी ये देते हैं कि गिर के मर गया। आप एक बात मुझे बताइए, इनके यूपी के अंदर होटल में गिर के एक आदमी की डेथ हो जाती है, अबे होटल से गिरा है 5 मंजिल इमारत से, या एफिल टावर से गिरा पेरिस के, जो नीचे गिरते ही मर गया, बताइए। लेकिन कार्रवाई तो होगी ना उनपे, कौन सी कार्रवाई होगी? कार्रवाई की पोल तो सरकार की पोल तो भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या कहा आपको पता है? चोट से हुई है। हाँ तो फिर, लेकिन उनको पर कार्रवाई तो होगी ना, सस्पेंड तो हो गए,
सस्पेंस से क्या फायदा? आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट सुनिए, आप एक बात मुझे बताइए, आप किसी आदमी का कत्लेआम कर दें और उसके बाद आप सस्पेंड हो जाएं, बस नहीं उनका केस चलेगा, मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। एफआईआर केस से क्या होगा? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ, इनकी पुलिस के पास हेलमेट तो होते नहीं है, सर के ऊपर ये स्टूल रख के घूमती है और आप फिर भी इनकी वाहवाही करते हैं। अच्छा मोहित जी, अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो गिरफ्तारी हुई है जी, उसको किस तरह से देख रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि देखना कुछ नहीं है। हाँ। अभी आपको एक बात सीधे तौर पे मैं बता दूं कि इनोका साधु जो महात्मा जो इनके वो दे रहे हैं ना बयान, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो क्या हो चुका है? खत्म एकदम। ठीक है जी, शिक्षा के नाम पे ये लोग बात करते नहीं है, बेरोजगारी पे ये लोग बात करते नहीं है, महंगाई पे बात करते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको हिंदू और मुस्लिम कराना है, इसलिए परमहंस जैसे लोगों को ये लोग आगे करते हैं। पहले एक वो आता था, इनका क्या नाम था उसका, नित्यानंद इनका क्या नाम था, वो कौन सा सरस्वती था, वो नरसिंहानंद सरस्वती, उसके बाद ये परमहंस आ गए। इंतजार करते हैं कल इनका जल समाधि लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी गंगा और जमुना को भी दूषित कर देंगे। साधु महात्मा है, कैसे गंगा को दूषित कर देंगे? साधु महात्मा है एक बात, साधु महात्मा तो योगी जी भी हैं। एक बात बताइए, हमारे और आपके जैसे सारे काम करते हैं, ठीक है, हमारे और आप जैसा खाना खाते हैं, तो साधु कहाँ से हो गए? इंसान है। और हमारे और आपके जैसे घर में रहते हैं, साधु इंसान नहीं है। साधु को आपने कब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते देखा? कौन सा साधु फॉर्च्यूनर में घूमता है? लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वाला साधु घूमता है फॉर्च्यूनर में। अरे पैसे हैं, पैसे उनके पास, पैसे कहाँ से हैं? लोग देते हैं दान दक्षिणा देते हैं, जो सुबह भिक्षा मांगने जाते हैं वो दान दक्षिणा देते हैं, खुशी से लोग देते हैं ना। कौन सी खुशी से देते हैं? वो पैसा देश की जनता का है, समझ रहे हैं, खुशी से देते हैं। आपने कितने भिखारियों को दान दिया आज तक? बहुत दिया है, बहुत दिया है। झूठ मत बोला करिए, आपकी झूठ बोलने की आदत है ना, इसी कारण देश बर्बाद। आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की राजनीति तेज हो चुकी है? कितने भी मुस्लिमों को शोषित कर लो, कितने भी हिंदुओं को आप शोषित कर लो, देश की जनता समझ चुकी है कि आपके लिए अगर 4 वोट मुस्लिम से मिलेंगे तो आप मुस्लिम को मरवा देंगे, 4 वोट हिंदू से मिलेंगे तो आप हिंदुओं को मरवा देंगे। आपके लिए कोई हिंदू कोई मुस्लिम मायने नहीं रखता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।